गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है कि जब से मैं बादल के साथ और इसके बड़े भाई बादल के साथ वीडियोस बनाने लगा हूं ना इंस्टाग्राम पर, तब से वो वायरल पे वायरल ही होती जा रही हैं। और एक रील तो भाई मेरी 1.5 लाख पर पहुंच चुकी है और ये रील मेरी पहली रील है जो इतना ज्यादा वायरल हुई है। तो इसी सब के चलते आज हमारे साथ फाइनली आ चुकी है शिल्पा। तो भाई बात कुछ ऐसी है, जैसे ही इसे पता लगा ना कि यार इसकी तो रील्स चल रही हैं और सब लोग इसे इतना प्यार दे रहे हैं, फिर इससे रुका ही नहीं गया और ये भागी भागी चली आई कि घोड़े के साथ मैं भी रील बनाऊंगी। तो आज फाइनली हम इसको मिलवाने लेने आ चुके हैं। क्या कह रहा हूँ, अरे कहना क्या चाहते हो। तो आज फाइनली मैं शिल्पा को लेकर आ गया हूँ यहाँ पर अपने कैनल पर घोड़े से और गाय से और अपने सारे डॉग से मिलवाने के लिए। अच्छा ये बता, तू पहले आ चुकी है यहाँ पे? तू कब आई थी यहाँ पे? एक बार आई थी। तो शिल्पा शायद यहाँ पर एक बार आ चुकी है, पक्का बता दे। मजाक तो नहीं कर रही है? कब आई थी? जब ये बना था कैनल। मुझे तो नहीं लगता तू आई थी यहाँ पे। तू नहीं, तू लेकर आया, खुद आई थी। पता नहीं ये आई थी या फिर नहीं आई थी, तो जहाँ तक मुझे याद है ये शायद पहली बार आ रही है। अरे यार, तो चलो पहले आ चुकी होगी, ठीक है। तो आज ये सेकंड टाइम आई है और जब से। अच्छा ये बता तू कब आई थी, जब ये जाल सारे बन गए थे जब आई थी? हाँ। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रही है, मुझे तेरी सारी पता। तू और हम मिलवाने जा रहे हैं शिल्पा को बादल से। हे बादल, तो ये जो आप इसका कलर देख रहे हैं ना, आप देख रहे होंगे कि ब्राउन से इसके होता जा रहा है। ओए थोड़ा इधर होके दिखा, इधर। तो ये जो आप इसका कलर देख रहे हैं ना, ये थोड़ा ब्राउन सा लग रहा होगा आपको, यानी कि थोड़ा रेड सा। लेकिन ये ऐसा है कि अभी पापा बता रहे थे कि बड़ा होने से पहले जब बिल्कुल ये फुल साइज हो जाएगा ना, देख रहे हो ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको। मुझे तो इतना पता नहीं है लेकिन पापा बोल रहे थे ये बात। तो जब तक ये बिल्कुल बड़ा घोड़ा बन जाएगा ना, पूरा फुल साइज जब इस पे बैठेंगे तब तक ये बिल्कुल ब्लैक बन जाएगा। लेकिन उससे पहले ये कलर चेंज करेगा अपने, कभी रेड होगा कभी पता नहीं कैसा होगा। भाई बादल इधर। बादल अब तो यार तू मुझे पहचान भी गया होगा, अब क्यों नहीं आता तू मेरे पास? बादल 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 बंद करो हाथ जोड़ के। मैं, अरे तू मेरे कहने से यार इसकी कहां बात मान रहा तू? बादल देख, बादल बादल क्या कर रही है? अरे ये कबूतर है, ऐसे फेंक पकड़। आजा बादल, आजा बादल, आओ इधर आ, आजा यार। तो बहरा हो गया क्या? शाबाश 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 शाबाश। ले भाई ले, ले। बिचारी गरीब शिल्पा, इसके पास तो आ भी नहीं रहा है। बादल अब दिमाग खराब हो गया मेरा। आजा, सुनाई आ रही है तुझे? बादल क्या हो रहा है बेटा? मैं आ जा यार, चल शिल्पा चल चल। वो पागल है क्या? अच्छा शिल्पा ने गाइस बादल की नाक पे हाथ लगा दिया और ये इसमें बड़ी खुश है कि चलो कम से कम बादल की नाक पे हाथ तो लगाया। फाइनली हमने डिसाइड कर लिया है कि शिल्पा गाइस मैं जाने वाली हूँ अंदर और बादल के साथ लेने वाली हूँ पंगा। इतनी हिम्मत इस लड़की के अंदर पता नहीं कहाँ से आ गई है, मुझे तो पता नहीं है। लेकिन शिल्पा खुद अपने मुँह से कह रही है कि मैं इसके अंदर जाऊंगी, तो देखते हैं भाई जा पाती है नहीं जा पाती है। तो गाइस शिल्पा कह रही है कि जब ये मुझे मारेगा ना, तो मूंगफली के लालच ले ले, इसको खाने का चारा ला, खाने का चारा वो पड़ा उसमें से उठा ले। A few moments later, अभी मुझे खा ले। भाई बादल आ चुका है इस टाइम पूरे अपने फॉर्म में। भाई बादल शिल्पा को घूर रहा है, चल बादल मार इसकी सर पे ला। शिल्पा इतना टाइम नहीं लगाते हैं यार, चल यार शिल्पा। सुन अब कोने में जा, गर्दन पे हाथ लगा दे जल्दी, पीछे से मत जा, जा भी तो पीछे से रही है, जोर लात मार दे। चल चल मौका देख के जा, मौका देख के चल चल से पीछे भाग। ओ भाई क्या करें, ओ भाई नहीं। ओ आ गया, आ जा बादल बादल। नहीं। शिल्पा अंदर अगर गई है ना तो कम से कम एटलीस्ट इसे छू के तो आ जा एक बार, और अगर नहीं बस की हो रहा तो बाहर आ जा। चल
चल नहीं कर रहा जा, सच बता रहा हूँ। एक काम कर, तू वापस आ जा, आ जा बाहर आ जा। भाई फाइनली शिल्पा इसके पास पहुंच ही गई है यार, फाइनली। चल 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 चल, बिल्कुल पहुंचने वाली है शिल्पा, पहुंचने वाली है। बहुत आराम से जाइए ऊपर और हाथ फेरने लग जाइए, हाथ फेरने लग जा। हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब, शिल्पा ने घोड़ा कंट्रोल कर लिया यार, फिर इतनी आसानी से तो मैं भी नहीं पकड़ पाया था यार इसे। शिल्पा ने तो कमाल ही कर दिया यार, अभी से लेके आया आराम आराम से इधर को। नहीं डर मत डर मत डर मत, छोड़ियो मत शिल्पा, चल इससे बैठ भी जा। भाई शिल्पा अगर इसके ऊपर बैठने की कोशिश करी ना शिल्पा ने, इतनी तेज लात मारेगा ना इसके। चल शिल्पा आराम आराम से लेके आया इसे, चला जा बाहर। शिल्पा जब छोड़ दे, अरे बस कर, कूद जा। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास दो गाय थी, लेकिन अब आप देख रहे होंगे कि सिर्फ एक ही गाय बची है, ये तो है देसी गाय। और जो अमेरिकन गाय थी ना, वो हमने सेल आउट कर दिए। देसी गाय के आते ही थोड़ा सा काम बढ़ गया था, तो पापा ने सोचा कि एक काम करते हैं, किसी एक गाय को सेल कर देते हैं। तो पहले पापा जी ने विचार करा था कि देसी गाय को सेल कर देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद थोड़े हमने बातें करी और सोचा कि चलो कोई बात नहीं, देसी गाय आ गई तो आ गई है। और ये बताते हैं कि देसी गाय के दूध में अलग ही पावर होती है, तो इसलिए देसी गाय को सेल करने का प्लान कैंसिल हो गया और अमेरिकन गाय को सेल कर दिया हमने। हाय बच्चों। तो गाइस अब जाने वाला है मेरे बाद अभी। भाई मैं अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि मैं कितनी देर में पकड़ पाता हूँ बादल को। डर आ गया, मैं तो कहूँ तेरे हाथ ही ना आए। बच्चों क्या लगता है, पकड़ दूंगा? बादल भाग, यस। सेकंड्स में मैंने देख रहे हो किस तरह से पकड़ रखा है। तो गाइस इसने करी है साफ साफ चीटिंग, क्योंकि मैंने बादल को ऑलरेडी शांत कर दिया था, उसके बाद जाके इसने पकड़ लिया। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, बादल मुझे पहले से जानता है ना, इसलिए देखो फर्क पड़ता है ना, पहले जानते हुए का और अनजान का। एक रील बना मेरी। नो गाइस नो। तो गाइस मेरी रील आप देख सकते हैं, मेरी आईडी ये मेंशन कर देगा जबरदस्ती। तो बादल ने अभी को कर दिया चकनाचूर। तो गाइस काफी मेहनत के बाद अब हम लेने वाले एक छोटा सा ब्रेक। तो भाई अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको वही डॉग जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था ना, लेकिन इसका ऐसा सीन है ये अभी जाएगा, सिर्फ हमारे पास ये दो या तीन दिन के लिए आया है। फॉलो मी गाइस ऑन इंस्टाग्राम। तो गाइस फिलहाल घर जाने का टाइम हो चुका है, शिल्पा को आज इसके ससुराल के लिए भी निकलना है। बादल टाटा, बाय बादल, love you, bye। सुपर्णखा जैसी बहन के घर जाने का टाइम आ चुका है, भाई साहब गाड़ी मोड़ रहे हैं और आंख से छलका आंसू और जट टपका शराब में। ऐसी ससुराल भाई सबको दे भगवान, हर तीसरे दिन तो ये यहाँ आ जाती है, इससे ज्यादा और क्या ही लेगी। बस बस बस, कैसे करोगे कैसे करोगे, अरे उधर से जो जा। ठीक है सर, बिल्कुल, ओके, ऑल द बेस्ट। अगली बार जब आओगे ना घोड़े से मिलने चलेंगे। मिलवाओगे तो मुझे बादल से? हाँ बिल्कुल यार, कब को आएगी? मंडे में। देखो भाई मैंने अभी बोला था ना, ऐसी ससुराल भाई कब सबको दे भगवान, हर तीसरे दिन जाती है, हर तीसरे दिन। टाटा बाय बाय, सी 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 यू, सॉरी सी 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 यू सी यू व्हाट डू यू मीन बाय।